गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था व्यंजन ज्ञान, व्यंजन ज्ञान पढ़ा था। चित्र के द्वारा हम उनका नाम पढ़ना सिखाए थे आपको, और आज हम इसी व्यंजन ज्ञान को लिखना सीखेंगे। क से ज्ञ तक ये सारे जो व्यंजन ज्ञान से जो शब्द बन रहे हैं वो शब्द हम आज लिखना सीखेंगे। तो आइए आप भी कॉपी खोलिए और मेरे साथ आप भी लिखेंगे, जैसे हम बताएंगे वैसे आप भी लिखते जाएंगे। तो देखिए ये बोर्ड पे लिखा हुआ है क से ठ तक, इससे हम शब्द बनाएंगे। जो बुक में आपका चित्र है वो चित्र देखेंगे और जो शब्द बन रहे हैं उनका नाम लिखेंगे। तो ये क्या है क, तो क से कबूतर, तो क ब में दीर्घ उ, त और ये है र, क्या बना कबूतर, इसे क्या पढ़ेंगे कबूतर। ख से खरगोश, तो हम लिखेंगे ख र ग में ओ की मात्रा, ग में ओ की मात्रा और ये है तालाब श, तो क्या बना खरगोश, क्या बना खरगोश। सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दोगे, ये है ग, क्या है ग, तो ग से गमला, ग से ग म ल में आकार, क्या बन गया गमला। घ, घ से घर, घ से घर, ये क्या बना घर। अंग से कुछ नहीं, च से चम्मच, चम्मच, तो चम्मच बोलने में डबल म का उच्चारण हो रहा है, तो च आधा म पूरा म और च, क्या हो गया चम्मच। च आधा म, ध्यान से देखेंगे पूरा म और च, चम्मच, क्या हुआ चम्मच। अब ये है छ, छ से छाता, तो यहाँ लिखेंगे, इसको देख लीजिए ध्यान से, कॉपी पे लिख लीजिएगा, दिख रहा है ना सबको, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं, ये है छ, छ से छाता, तो छ आकार, त आकार, क्या बना छाता, क्या बना छाता। इस तरह से ये है ज, ये है ज, ज से जहाज, तो ज में आकार और ज, क्या हो गया जहाज, क्या बना जहाज, ध्यान देंगे। ज से झंडा, ज से झंडा, तो ये ज, ज में अनुस्वार, अन अनुस्वार की मात्रा और दपई डा, ड में आकार, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम झंडा, क्या पढ़ेंगे झंडा। यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से कोई शब्द नहीं बनते हैं, ये है ट, क्या है ट, तो ट से टमाटर, तो ट म में आकार, ट और र, क्या बना टमाटर, क्या बना टमाटर। ये है ठ, क्या है ठ, तो ठ से ठेरा, तो ठ, ठ में एक ही मात्रा, र में आकार, तो क्या बन गया ठठेरा, क्या बना ठठेरा। इस तरह से देखेंगे ये सारे शब्द आप अपने कॉपी पे लिखेंगे। देखिए क से ये हो गया, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंग से कुछ नहीं, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, ज से झंडा, यहाँ से कुछ नहीं, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा। तो आपको पूरा बोर्ड दिख रहा है,
आप इसे कॉपी पे लिख लिए होंगे, अब हम इसे इरेज करेंगे। इस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे। ट, ट के बाद क्या होता है? ट, ठ, ठ के बाद ड, क्या होता है? ड, ड से डमरू। तो ड म र में दीर्घ ऊ लगाएंगे ऐसे बीच में, डमरू, क्या बना? डमरू। अब है ध, क्या है? ध, ध से ढक्कन। तो जिस तरह से हम चम्मच में दो म आया था, एक आधा म और एक पूरा म, उसी तरह से ढक्कन में भी एक आधा का लिखेंगे और एक पूरा का लिखेंगे। देखिए इस तरह से ध, आधा क, पूरा क और न, क्या बना? ढक्कन। क्या बना? ढक्कन। बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। अब है ट्वर्गीना, क्या है? ट्वर्गीना। तो ट्वर्गीना से कोई शब्द नहीं बनते हैं। अब आगे त, क्या है? त, त, त से तरबूज। त, र, ब में दीर्घ ऊ और ज, क्या बन गए? तरबूज। त के बाद होते हैं ठ, ठ, इस तरह से थर्मस। थ, र, म और ये है थर्मस, नहीं, थर्मस में दंत सा लगेगा, थर्मस, इस तरह से थर्मस। उसके बाद थ के बाद होते हैं द, क्या होते हैं? द, द से दवात, दवात। तो द, व में आकार और त, दवात। एक चीज ध्यान देंगे, हमें अगर कोई भी शब्द लिखना है तो पहले हम उसका उच्चारण करेंगे, द, वा, त, इस तरह से हम उच्चारण करके अगर लिखेंगे तो सही लिख पाएंगे। द के बाद है ध, ध, इस तरह से ध लिखेंगे, ध से धनुष। तो ध, न, तो अर्गी मन न, है ना, ह्रस्व उ और मूर्धन्य स, क्या बन गया? धनुष। क्या बन गया? धनुष। तो ये आपको दिख रहा है, इस तरह से सारे शब्द लिख लेने हैं। अब हम इसे इरेज करते हैं। इस तरह से हो गया, ध के बाद न, न, त्वर्गीना, त्वर्गीना से नल, न और ल, क्या हो गया? नल। बोर्ड पे ध्यान देंगे बच्चों आप लोग। ये है प, प, प से पतंग। तो प, त में अनुस्वार और ये है ग, तो क्या बन गया? पतंग। ये है फ, क्या है? फ, तो फ से फल, फ और ल, क्या बना? फल। अब है ब, क्या है? ब, तो ब से बकरी। तो ब, क, र में दीर्घ ई, क्या बना? बकरी। अब है ब के बाद भ, क्या है? भ, इस तरह से भ, भ से भालू, भ से भालू। तो भ में आकार और ल में दीर्घ ऊ, क्या बना? भालू। क्या बना? भालू। अब है म, क्या है? म, तो म से मछली। तो म, छ और ल में दीर्घ ई, क्या बन गया? मछली। अब है य, क्या है? य, तो य से यज्ञ। तो य और ज्ञ, क्या बना?
यज्ञ, क्या बना? यज्ञ। अब है र, क्या है? र, तो र से रथ, तो र और थ, क्या बना? रथ, क्या बना? रथ। तो आपको दिख रहा है सारे शब्द लिख लेंगे कॉपी पे, इसे आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है। अब हम इसे इरेज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, र के बाद ल, र के बाद ल, ल, ल से लट्टू, ल से लट्टू, ल, तो में हलंत लगाएंगे और पूरा ल, और इसमें दीर्घ, क्या बना? लट्टू, क्या बना? लट्टू। ल के बाद क्या होते हैं? व, व, व से वक्त, व से वक्त, व और क, वक्त। अब है तालाब विस, इसे क्या बोलते हैं? तालाब विस, तालाब विस से, तालाब विस से क्या है? सलजम, क्या है? सलजम। तो स, ल, ज और म, क्या बन गया? सलजम। अब है मूर्धन्य स, कौन सा स? मूर्धन्य स, तो मूर्धन्य स से षटकोण, तो स, ट, क में ओ की मात्रा, त्वर्गी न, क्या बन गया? षटकोण, इसे पढ़ेंगे हम षटकोण, बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब है दंत स, कौन सा स? दंत स, दंत स से सपेरा, तो स, प में ए की मात्रा और र में आकार, क्या बन गया? सपेरा। अब है ह, क्या है? ह, ह से हल, तो ह और ये है ल, क्या बन गया? हल। अब आगे छ, क्या है? छ, इस तरह से लिखेंगे छ, छ से क्षत्रिय, तो देखिए क्षत्रिय कैसे लिखेंगे हम, पहले छ लिखेंगे, छ, त्र, ये इसमें ह्रस्व ई लगाएंगे और य, क्या बन गया? क्षत्रिय, क्या बन गया? क्षत्रिय। इस तरह से दिख रहा है आपको, आप इसे अपने कॉपी पे लिख लेंगे, ध्यान दें बच्चों, इस सारे शब्द को आप कॉपी पे लिखेंगे। अब हम इसे इरेज करते हैं। अब छ के बाद क्या होता है? त्र, क्या होता है? त्र, तो त्र, इस तरह से त्र, त्र से त्रिशूल, हरश्वी, त्र, तलाब्दस, दीर्घु और ल, इसे हम पढ़ेंगे त्रिशूल, त्रिशूल। अब है त्र के बाद आपका आ गया ज्ञ, क्या आ गया? ज्ञ, तो ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी, तो ज्ञ आकार, न दीर्घई, क्या बन गया? ज्ञानी। इस तरह से आपका क से ज्ञ तक सारे शब्द हो गए, इस तरह से, तो सबको आपने कॉपी पे लिख लिया होगा, और यही आपका होमवर्क है, इसे आप जितना हम आपको लिखवाएं वो आप अपने कॉपी पे लिखे होंगे, फिर उसी को पढ़ते जाना है उच्चारण के साथ, फिर कॉपी पे लिखना है, आपका होमवर्क है। बाय।